दीपावली। और दिवाली क्यों मनाते हैं, दिवाली की शुरुआत क्यों हुई और दिवाली मनाने का उद्देश्य क्या है, ये मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होगा। और अगर नहीं भी है तो हम यहाँ थोड़ी सी 5 से 10 मिनट आपको इस बारे में बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि दिवाली होती क्या है। ठीक है, अभी तक आप लोग क्या समझते हैं दिवाली मतलब? कि नए कपड़े पहनने को मिलेंगे और पटाखे चलाएंगे और मिठाई खा लेंगे, इतना ही है ना, बस इसी को दिवाली समझते हैं। या दिवाली पे घर पे साफ सफाई हो जाती है ना, पेंट हो जाता है, पुताई हो जाती है, और उसके बाद मम्मी पापा नए कपड़े दिला देते हैं, पटाखे दिला देते हैं, तो ही दिवाली, यही मतलब है ना दिवाली का। लेकिन दिवाली क्यों मनाई जाती है बेटा, क्या आपको याद है? आपने सुना होगा श्री राम भगवान के बारे में सुना है, रावण के बारे में भी सुना है। रावण कौन थे? रावण कौन व्यक्ति, या कहें एक प्रकार का व्याभिचारी व्यक्ति था जिसने क्या किया, माता सीता का हरण किया था। ठीक है, अब उसने हरण किया था रावण ने, तो उसको राम भगवान सीता माता को लेने लंका गए थे और उन्होंने रावण का वध किया था। और वध कब किया था? दशहरे के दिन, दशहरे के दिन किया था। आप लोग भी जाते हो दशहरा देखने, रावण जलता है, आप लोग भी बनाते हो छोटे छोटे रावण बनाते हो ना, तो दशहरे पे रावण का वध करके माता सीता को लेके दशहरे के 20 दिन बाद वो कहाँ पर आए थे? अयोध्या। कहाँ पर आए थे वो? अयोध्या। और वहां पर जब वो आए थे तो उस दिन पूरी अयोध्या में दीपक ही दीपक से उनका स्वागत हुआ था, दीपक प्रज्वलित हुए थे, क्योंकि दीपक इसका प्रतीक है प्रकाश का। अंधेरे को भगाता है दीपक, तिमिर को दूर करता है दीपक, पूरे कमरे में गहरा अंधेरा है, पूरे कमरे में गहरा अंधेरा है रात का समय मानो, और अगर एक दीपक जला दिया तो पूरा अंधेरा गायब। तो दीपक क्या करता है? प्रकाश करता है। तो पूरी अयोध्या को दीपक से, प्रकाश से सजाया गया था, क्योंकि उस दिन भगवान राम अयोध्या पधारे थे माता सीता को लेकर उनके भाई लक्ष्मण सहित, और उन्होंने बुराई पर अच्छाई की विजय पताका फहराई थी। अब बात ये तो हो गई, इसलिए दिवाली मनाते हैं। अब दिवाली जब हम मना रहे हैं तो हमारे घर में क्या हो रहा है? प्रकाश, हम दीपक जलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि हम तो दिवाली मना रहे हैं, हमारे घर में पटाखे भी हैं, हम मिठाई भी खा रहे हैं, लेकिन क्या हमारा दोस्त, क्या हमारा पड़ोसी दुखी तो नहीं है? क्या उसके घर में कोई परेशानी तो नहीं है? वो तो परेशान है मान लो, और हम पटाखे चला रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम नए कपड़े पहन रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, और हम उसके दुख में उसकी मदद नहीं कर रहे, तो उस दिवाली का कोई अर्थ नहीं है, वो दिवाली बेकार है। जब आपका पड़ोसी, जब आपका दोस्त, जब आपका कोई रिश्तेदार अगर दुखी है और वो दिवाली नहीं मना पा रहा है क्योंकि उसको कोई परेशानी है, या तो उसको पैसे की परेशानी है, या उसके घर में कोई तकलीफ है, या उसके घर में किसी को बीमारी है, इस वजह से अगर वो त्यौहार नहीं मना पा रहा है, तो आपको उसकी, उसके दुख में उसका हाथ बटाना चाहिए। असली दिवाली तो वही है, आपके पास 10 रुपए के पटाखे हैं और पड़ोसी दोस्त के पास पटाखे लाने के पैसे नहीं है, तो आपने 5 रुपए के पटाखे उसको दे दिए, आपने 10 की जगह 5 के ही चलाए, तो इसे कहते हैं दीपावली। एक बात और हम आपको बता दें कि हमारी क्या सोच होती है, मैं और मेरा परिवार, यही सोचते हैं सब, है ना, मैं और मेरा परिवार। अगर बड़े व्यक्ति भी अगर पैसा कमाने जाते हैं तो वो किस लिए सोचते हैं? बच्चों के लिए, मैं और मेरा परिवार खुश रहे, उनके लिए सामान लाऊं, उनके लिए कपड़े लाऊं, उनके लिए खिलौने लाऊं, सोचते। लेकिन तीसरी चीज हम भूल जाते हैं, समाज। समाज मतलब सोसाइटी, अपने आसपास जो पड़ोसी है ना, ये सब समाज में आते हैं, अपने आसपास जो लोग रहते हैं, जो अपने स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो अपने टीचर्स हैं, जो पूरे विश्व में हमारे भाई बहन हैं, वो समाज में आते हैं। अब क्या होता है, अगर हम खुद की इच्छा पूरी कर रहे हैं, खुद के बच्चों की इच्छा पूरी कर रहे हैं और समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये जो सामाजिक आपदाएं आती है ना, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप, बाढ़, इनका सामना हमें करना पड़ता है।
क्योंकि हम समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी थी वो पूरा नहीं कर रहे, तो इसलिए भगवान नाराज होते हैं और फिर सामाजिक बुराइयां, सामाजिक विपदाएं, सामाजिक बीमारियां हमारे सामने आती हैं। तो हमें खुद का भी अच्छा करना है, दूसरे का, परिवार का भी अच्छा करना है और समाज के लिए भी कुछ ना कुछ थोड़ा ही करें, लेकिन दूसरे के लिए भी अच्छा करें, उसका बुरा नहीं करें। तो यही तो दिवाली है और हम ये महामारियों से भी बचे रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, रावण अभी लोग सब जलाते हैं, आप लोग भी जलाते हैं, लेकिन रावण तो हम जला रहे हैं, लेकिन रावण से भी खतरनाक और गलत काम आजकल हो रहे हैं। रावण ने तो माता सीता का हरण किया था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, छोटी छोटी बच्चों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, उनके साथ गलत काम हो रहा है। तो पहले से भी खतरनाक रावण तो अब आ गए और हम जबरदस्ती रावण का पुतला जला रहे हैं। जलाना चाहिए पर उससे हमें सीख भी लेनी चाहिए कि हमारे अंदर तो कोई बुराई नहीं है ना, हम तो बुरे नहीं है। आ रहा समझ में आपको? तो दीपावली इसे ही मानते हैं और दीपावली मनाने का उद्देश्य भी यही होता है।